आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि सब्जेक्ट है ही नहीं। हम मेरे को पता है कि बात रिपीट हो रही है, लेकिन कोई नई बात भी तो नहीं बना पा रहे हम। और वैसे भी यार उर्दू में कहानियां भी तो सेम ही है, कवा प्यासा है, लोमड़ी लालची है, अंगूर खट्टे हैं और उसके दो। हेलो ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मुद्दा गुफ्तगू उर्दू के बारे में करेंगे, कोरोना। अब मेरे को एक चीज बताओ जरा, हम बचपन से उर्दू बोलते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको उर्दू पढ़ाते हैं पता नहीं क्यों, और हम उर्दू को पढ़ते हैं पता नहीं क्यों। एक तो हमको ये भी नहीं पता कि पता नहीं का क्या पता है। अरे ये क्या पता पुता निकल गया, लेकिन आखिरी पता रह गया। जिस दिन तुमको ये पता चल गया कि पता नहीं का क्या पता है, उस दिन तुम कामयाब हो। अब पते को पढ़ा करते हैं और पते की बात पे आते हैं। मेरे को उर्दू पढ़ने में कोई मसला नहीं है, लेकिन जो उर्दू में ग्रामर है ना, तशबी मुशब्बा खब्बा शब्बा, ये चीजें मेरे को समझ नहीं आती पता नहीं काय को। मिसाल के तौर पे अगर तुम्हें कोई कहता है कि तुम चांद लग रहे हो, कोई कहता नहीं है, लेकिन फर्ज कर लो यार, मैथ भी तो पढ़ी है, मैथ में क्या था, जो चीज नहीं है उसे फर्ज कर लो। अच्छा, तो तुम उससे ये थोड़ी पूछोगे कि चांद तशबी है मुशब्बा है या शब्बा है, क्योंकि इस चीज का लॉजिक ही नहीं बनता। लॉजिक तो छोड़ो, जरूरत भी नहीं है। जो इंसान पहले तुम्हें चांद कह रहा था तो फिर तो वैसे उर्दू में लाख बुराइयां सही, लेकिन शायरी कमाल है। जब मैंने 9th में ये शेर पढ़ा, इरशाद इरशाद लोए लैलन दी रद्दी तो पतीसा, सुकिया रोटियां तो पतीसा, मतलब से यार शेक्सपियर का फैन हो गया भाई, आपका नॉलेज तो कमाल का। पर फिर मैंने ये चीज सुन ली, सलाम है इस बंदे को। इस बंदे ने शेर की मदर और सिस्टर टुगेदर तो कर दी, लेकिन मजाल है कि रफीद और फाके को अपनी जगह से हिलाया हो। और बदल तो कड़ी मुड़ी गजर आ रहा है, लेकिन मक्खी नहीं उड़ा रहा। जट साहब को सुनने के बाद मेरे को जॉन एलिया याद आ गया। क्या खूब कहा था जॉन एलिया ने कि मोटे बंदे का दिमाग मोटा ही होता है। मैंने ऐसा कब कहा था, बिली बगिया ना की करिए, बिली बगिया ना की करिए, आया सजना तेनू याद किया सी ते तू सानू याद करेगा। ओ ना हो चाहत फतेह अली खान और ढिंचैक पूजा को गाने यही बंदा लिख के देता होगा, क्योंकि इनकी लिरिक्स भी तो ऐसी होती है, हम सुबह उठ जाते हैं गोल कफारा बोल बटारा और पता नहीं क्या क्या। जब टीचर बोले 200 लफ्ज़ का मजमून लिखने है, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक ही लाइन आती हो, ले तुम 200 लफ्ज़ पूरे करते हो। भाई क्यों नहीं तू तुरता पे आंदे मगर, हासरे जिंदगी का मकसद है वे, क्यों नहीं तुरता तू उसके मतलब, तो तू तुरता भी है तो उसके मतलब तुरे ना, फिर तो उन्हें मगर ही ना तुर। जो उर्दू हमको स्कूल वाले पढ़ाते हैं वो उर्दू असल में है ही नहीं। असल उर्दू अगर तुम सुनो तुमको तो क्या, मेरे को खुद समझ नहीं आती है भाई ये क्या कह रहा है, हम तो उर्दू ही पढ़ते हैं लेकिन ये कहाँ। वैसे भी हम 3-4 जुबानों का मिक्सचर टॉक कर रहे होते हैं स्कूल गोइंग के बाद, आवर यही प्रेजेंट हुंदा इस। बड़ी ठंड होगी यार, बड़ी ठंड होगी है। अब इस वीडियो को देखो जरा। मैं उस वक्त बिल्कुल उत्थे ही था, ये सारा लड़ाई झगड़ा मेरी आंखों के सामने हुआ है। शादी ने ये आखा कि जो ये कौली है ये शादी है, इसने मैं केल ठोक कर ऊपर निशान उत्थे लगाया है कौली के पीछे। ऐसे बंदे होते हैं जो लड़ाई के बाद कह रहे होते हैं यार मेरी वखी भाज गई। अभी एक और लो जरा, ऐसे ही बंदे होते हैं जो कह रहे होते हैं मेरी जैकेट उधर टांग दो, अबे टांग दो होता है। अभी तो ये शुक्र करो कि हर जुबान का सब्जेक्ट नहीं बनता, अगर बना देते तो फिर हमारा क्या हाल होता। और यही मेन वजह कि हमको एक भी जुबान सही समझ नहीं आती, और हमारे सिस्टम को हमारी समझ नहीं आती। फिर तो वही बात है ना, समझ के समझो, समझ समझना भी एक समझ है, जो समझ के ना समझो समझ को समझ समझ है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। खैर अगर तुमको वाकई उर्दू आती है तो नीचे कमेंट में नहीं बल्कि नीचे लिखत में लिख के जाना कि चैनल को उर्दू में क्या सीखते हैं। तो बस यार मेरे पास कहने को इतना ही था, जाते जाते इतना ही कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबा दो ताकि हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट तुमको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।